और बाज मरतबा अल्लाह की मदद बड़ी आती है ऐसी चीजों पर। हमको हार्ड से तकरीर करके चले, इतना सा एक कट भूल गए, सी पैक उस वक्त बन रहा था, हम सी पैक भूल गए, हमने जाना इधर को था ना, इधर जाना था, निकल इधर गए। आगे वो पता नहीं कौन सा जानवर है उस मौसम में होता है, उसका शिकार करने वाले लोग आए हुए थे, शिकारी पता नहीं कौन सी कोई चीज थी उस मौसम के अंदर। अब उन्होंने दूर से हमारी गाड़ी को देखा, वो समझे पुलिस वाले आ गए, हम समझे डाकू आ गए, वो हमें देख के रुक गए, हम उन्हें देख के रुक गए। जब 15-20 मिनट हुए तो हाँ बंदूक उन्होंने फेंक दी थी, ये बिल्कुल ये मेरे साथ बंदूक फेंक दी। जब वो आगे एक ट्रक वाला आ गया, अल्लाह की शान होती है ना, हमने कहा तुम वो कौन है, वो कहने लगे डरो ना शिकारी ने, फिर वो हमारे पास से गुजरे, हमने ट्रक वाले से गलती से पूछ लिया, मैंने कहा हम दर्द आदमी, हमने कहा रास्ता ये हमने किधर जाना है, उसने बजाय मुझे लग रहा वो भी कैसे दुखा हुआ आया था, उसने होटल भेज दिया पल्ली तरफ। गाड़ी चलती रही चलती रही चलती रही, रोड आवे ना बड़ा परेशान हुए, फिर गाड़ी एक जाके ना बिल्कुल नीचे खाई के अंदर जाने लगी, हमने गाड़ी खड़ी कर दी ना, इधर रास्ता पीछे मुड़े तो अंधेरा, उधर सीप है, उन्होंने कहा जी रास्ता कोई नहीं है, अल्लाह तवक्कल खड़े रहो सुबह जाओ। आप यकीन करें मैंने हमने दुरूद शरीफ पढ़ा और कुछ आयात पढ़ी, और इस नौजवान को इतनी उल्टियाँ, सर्दी की भी थी गर्मी भी बहुत कह, मुझे इसकी पड़ी, मैं कह अल्लाह से हिफाजत से घर पहुँचा दो, हमने अल्लाह की मदद उतरते दी। एक बिल्ली नुमा जानवर और उसकी पूंछ तकरीबन 2-2.5 गज की थी, वो आया उसने आके बोनट पे छलांग मारी, ऐसे ना ठाक करके छलांग मारी, और हमारे बोनट पे उसने 4-5 मरतबा फुदक के दिखाया, एक्शन करके मैं समझा कोई बुला आ गया, फुदक के दिखाया, फिर वो हमारी गाड़ी के आगे हुआ, उसने अपनी पूंछ को हाकिश टाइप की तरह कर फिर यूं करके उसने हिलाया इस तरह कर, यकीन करें। फिर वो चला, हम रुके रहे, फिर वो चला, फिर पास आया, फिर वो मैं कहा यार अल्लाह की मदद आ गई, जहाँ चल रहा है गाड़ी चल, फिर वो जहाँ जहाँ चलता रहा हम गाड़ी ले, 5 से 7 मिनट के ऊपर उसने बड़े रोड के ऊपर डाल दिया और छलांग मारता चला। जितनी मुशक्कत है अल्लाह की मदद भी उतनी, जितना आप अल्लाह के लिए जाग रहे हैं उतने पता नहीं आने वाली जो मुसीबतें और परेशानियां हैं, अल्लाह इस बैठने की बरकत से अल्लाह उनको टाल रहा है।